हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स से संबंधित। जी हां दोस्तों, एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक्स और वाई की ग्रुप की भर्ती निकाली है। दोस्तों इसकी योग्यता जैसा कि आप सभी को पता होगा, 12th रहती है, 12th होनी चाहिए आपके पास। और दोस्तों इसकी अंतिम तिथि है 15 जुलाई। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं संपूर्ण विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों, क्या एज लिमिट रहेगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, कब तक लास्ट डेट है और कब से फॉर्म स्टार्ट होना है दोस्तों, और सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, और दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, इस टाइप के सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस फॉर्म को जरूर भरना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ से मिलेगी इसकी जानकारी और फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। आपको भी इसी पे आना है और जैसा कि हम हर बार टाइप करते हैं, हमारी वेबसाइट को एक बार आप विजिट करके ज़रूर देखिए। इस पर फ्री स्टडी मटेरियल और न्यू वैकेंसी की अपडेट मिलती है। तो सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है www.thevirlstudy.com। जी हाँ दोस्तों, जो मेरे चैनल का नाम है उसी को आपको सर्च करना है, www.thevirlstudy.com। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे दोस्तों, तो इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा। ये हमारे वेबसाइट का लोगो है दोस्तों, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको कर लेंगे अपन डेस्कटॉप साइट ताकि अच्छे से आप सभी को समझ में आ सके। और दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार खुद आपको डाउनलोड करके देखना है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं पूरी जानकारी तो एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वैकेंसी की जानकारी देता हूँ तो वीडियो हो जाता है बहुत बड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पहली फ़ोटो जो देखी थी आपको, उसमें आपको मिल जाएगा। या अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारी पहली पोस्ट है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट ग्रुप एक्स और वाई भर्ती। तो आप यहाँ पे ये फ़ोटो भी देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, आप इस फोटो पे ही जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो एक इंटरफेस खुल जाएगा, आप उस पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों, और इसमें आपको क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन 1 जुलाई से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके आवेदन 1 जुलाई से शुरू होने, और इस फॉर्म को आप सभी को जरूर भरना है। इसकी योग्यता 12th बस है, तो आपके पास 12th होनी चाहिए। पद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स और वाई ग्रुप के लिए निकली है, एयरमैन पोस्ट के लिए पद है, एयरमैन पोस्ट के लिए एक्स और वाई ग्रुप में निकली है ये भर्ती दोस्तों। प्रारंभिक तिथि यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई से फॉर्म में भरना स्टार्ट होने, और अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मात्र 15 दिन मिलेंगे आपको, तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए दोस्तों। और इसके बाद परीक्षा तिथि भी इन्होंने दी के रखी है, तो दोस्तों आपको तैयारी भी स्टार्ट कर देनी है। परीक्षा तिथि 21 से 24 सितंबर के बीच रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि भी है आपके पास, अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जैसे फॉर्म फिल हो आप फॉर्म फिल कर देना दोस्तों। आवेदन शुल्क की बात कर लें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी को दोस्तों 250 रुपये लगेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, OBC, जनरल, SC, ST। इसकी फीस मात्र 250 रुपये है, तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए दोस्तों आप सभी। यहाँ पे आयु की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 19 जुलाई 1999 से 2003 तक, आप 1 जुलाई 2003 तक के बीच में आप पैदा होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यदि एज इन डेट के बीच में है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतनमान की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ मैं हिंदी भाषा में लिख के रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। एक्स ग्रुप का वेतनमान देख लीजिए आप, 33,100 रुपये 33,100 प्रतिमाह। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का, यहाँ बात कर लें वाई ग्रुप का, तो वाई ग्रुप का रहेगा 26,900 रुपये। तो यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा, तो आपको इस फॉर्म को जरूर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता में क्या है, ग्रुप एक्स के लिए दोस्तों आपके पास 12th होनी चाहिए, वो भी PCMC फिजिक्स, नहीं माफ़ कीजिए दोस्तों, गणित आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए, गणित और फिजिक्स ये आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब PCM ही बोल सकते हैं इसको। PCM से आपकी 12th होनी चाहिए, और साथ में अंग्रेजी विषय आपका अनिवार्य है। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट आपके पास अनिवार्य हैं। पहला मैथ, आपकी 12th में मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और इंग्लिश, तीनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तीनों होने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 50 अंकों के साथ, मतलब टोटली आपके 50% से अधिक होने चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश में जो आपके 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, जैसे इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है, तो आपके 52-53 से 50 से ऊपर होने चाहिए टोटल मार्क्स इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में, और अदर सब्जेक्ट में परसेंटेज भी आपके 50 से ऊपर होने चाहिए। तो दोस्तों आप इसको एक्स ग्रुप को भर सकते हैं, एक्स ग्रुप के लिए भर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे यदि आपके पास ट्वेल्थ नहीं है तो इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा दोस्तों पॉलीटेक्निक का यदि आपने किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात कर लें बाई ग्रुप की, तो यहाँ पे दोस्तों बाई ग्रुप में आप देख लीजिए, बाई ग्रुप ट्रेड्स के लिए आपके पास सिर्फ ट्वेल्थ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट, कॉमर्स, फिजिक्स, बायो, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से ट्वेल्थ होनी चाहिए दोस्तों, और उसमें न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। और यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी भी आपके पास, अंग्रेजी में भी जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने ट्वेल्थ किया उसमें अंग्रेजी सब्जेक्ट अनिवार्य है, और अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर होने चाहिए, 100 में से 50% मार्क्स आपको मिलने चाहिए अंग्रेजी में। और यहाँ पे दोस्तों वही बात लिखी है। इसके बाद दोस्तों यदि ये आपने बल लिया एक्स और बाई ग्रुप की मैंने योग्यता बता दी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा का विवरण, लिखित परीक्षा का विवरण ये आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स ग्रुप के लिए क्या होना है दोस्तों, 60 मिनट में, 60 मिनट मिलेंगे एक्स ग्रुप वालों के लिए। और आपके पास पाठ्यक्रम क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, फिजिक्स आएगी, और दोस्तों इंग्लिश, फिजिक्स और गणित, माफ़ कीजिए दोस्तों, माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ी सी मोबाइल हैंग हो गया था, मिस्टेक कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपन लिखित परीक्षा का विवरण देख रहे थे दोस्तों। एक्स एक्स ग्रुप के लिए आप एक्स ट्रेड में क्या क्या आना है दोस्तों, ये आप अच्छे से देख लीजिए। 60 मिनट मिलने वाले हैं आपको, 60 मिनट मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों, आप अच्छे से देख सकते हैं आपके लिए क्या क्या आना है। एक्स ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो 60 मिनट में दोस्तों आपको फिजिक्स आनी है, फिजिक्स आनी है, मैथ आनी है और इंग्लिश आनी है, 3 सब्जेक्ट आने हैं दोस्तों। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है दोस्तों कि आपको तीनों में क्वालिफाई होना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, तीनों के अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं, अलग अलग टाइप से पेपर होते हैं, और तीनों में पासिंग मार्क्स अनिवार्य हैं दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में, यदि आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भरते हैं तो। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बाई ग्रुप की। बाई ग्रुप में आपको 45 मिनट मिलेंगे दोस्तों, 45 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है, जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश, दोस्तों 3 चीज़ें इसमें भी आएंगी आपके पास। रीजनिंग आएगी बाई ग्रुप के लिए, यदि आप कॉमर्स, आर्ट, अदर सब्जेक्ट से ट्वेल्थ आपने पास की है तो आपके लिए रीजनिंग आएगी दोस्तों, और आपके लिए आएगी जनरल अवेयरनेस, और दोस्तों आपके लिए आएगी इंग्लिश। इसमें भी दोस्तों तीनों पार्टों में पास होना अनिवार्य है दोस्तों, और इसमें अवधि जो रहेगी थोड़ी सी कम रहेगी, इसमें मात्र 45 मिनट मिलेंगे आपको, तो आप देख लीजिए दोस्तों। यदि आप एक्स और बाई दोनों का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, यदि आपने फिजिक्स पीसीएम से यदि आपकी ट्वेल्थ है तो आप दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों ट्रेड के लिए यदि आप फॉर्म मतलब पेपर देना चाहते हैं तो आपको टोटल मिनट मिलेंगे 85 मिनट मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, फिजिक्स, बहुत की मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट आएंगे यदि आप एक्स और बाई ग्रुप दोनों के लिए भरते हैं तो। यहाँ पे दोस्तों आप देख लग सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यदि आपके पास उत्तर गलत होता है तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि 0.25 की माइनस मार्किंग है, मतलब दोस्तों आपके 1/1/4 की माइनस मार्किंग है, 4 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत आपको सावधानी से टिक करना है, सावधानी से पेपर देना है, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि दोस्तों आपको हर एक पार्ट में क्वालिफाई होना जरूरी है। तो दोस्तों आप उसी का आंसर लगाइए जिसको आपको कंफर्म पता है दोस्तों, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों उम्मीदवारों के ऑनलाइन परीक्षा परिणाम 25 दिनों के भीतर अपलोड कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके, अब जैसे 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में पेपर होता है उसके 25 दिन बाद आपका परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये है वेबसाइट इनकी, आप इस पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शारीरिक परीक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं A to Z संपूर्ण प्रक्रिया बता दूंगा दोस्तों, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन दोस्तों सभी जानकारी मिलेगी दोस्तों। स्वास्थ्य शारीरिक परीक्षण की बात कर लें मतलब फिजिकल की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मिनट 30 सेकंड में दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है, मतलब 1 मील की रेस करनी है आपको 6 साढ़े 6 मिनट में। तो ये दोस्तों बहुत ही जी है, यदि आप 15 दिन भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये कर सकते हैं।
सेटअप की बात कर लें तो 10 सेटअप रहेंगे। पुशअप की बात कर लें तो 10 पुशअप करनी है आपको। स्क्वाट की बात कर लें तो 20 स्क्वाट करनी है। दोस्तों ये बहुत ही फिजिकल रहता है इनका, कोई दिक्कत नहीं, आप ये सभी कर लेंगे दोस्तों, आराम से कर लेंगे दोस्तों। यहीं चिकित्सा की बात कर लें, मतलब मेडिकल की बात कर लें दोस्तों, तो आपके पास फॉर्म बनने से पहले आप ये चेक कर लीजिए, आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है या नहीं है। सीना आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों, सीना आपका कितना भी हो लेकिन फूलने पे आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों। वजन की बात कर लें तो 55 किलो होना चाहिए आपकी, और दोस्तों ये वजन 55 किलो होना चाहिए आपके शरीर के अनुपात में, मतलब जैसे आपका शरीर अच्छा खासा है तो आपको वजन 55 किलो होना चाहिए। यदि आप दुबले पतले हैं तो थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने नीचे लिंक में दिया है, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। आवेदन कैसे करें चयन परीक्षा के लिए दोस्तों, तो ये आपके आवेदन दोस्तों आपकी एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट है, 15 जुलाई लास्ट डेट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आवश्यक आवेदन के लिए आवश्यक क्या क्या जरूरी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। एक बार हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, इस पर आपको सभी जानकारी हिंदी में मिलेगी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले आपके पास 12th का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th सर्टिफिकेट या आपका पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट साइज़ की आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसकी साइज़ होनी चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में, पासपोर्ट साइज़ की आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, वो भी 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपके बाएं अंगूठे की छाप, मतलब बाएं अंगूठा आपका लगेगा दोस्तों, उसकी साइज़ भी वही होनी चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद दोस्तों चयन का तरीका आप सभी को पता होगा, CVT की परीक्षा देने के बाद आपकी शारीरिक योग्यता होगी, उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से ये जो लिंक करते होगी फॉर्म अप्लाई की दोस्तों, वो माफ़ कीजिए यहाँ पे 3 तारीख लग गया लेकिन 1 जून से होगी दोस्तों, यहाँ पे 1 जून से ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। 1 मिनट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको क्लिक करके दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों, इस टाइप का एक इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा और आपके पास ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाए। इसको एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़िए ताकि आपको सभी डिटेल आसानी से समझ में आ जाए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच फॉर्म स्टार्ट होने और 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच आपका वो भरा जाना हो दोस्तों। ये रियल वैकेंसी है, इसमें कोई भी दोहरा नहीं, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म भरिए और आपका पेपर बहुत जल्द है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट नई वैकेंसी के बारे में आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।